हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी आफ्टरनून में मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नवनिया स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाकर सो गए हैं और अनिमेश भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ। आजकल तो मैं जितनी भी गर्ल्स लेडीज़ को देखती हूँ, तो ज़्यादातर लोग उनमें से अपने ऊपर ध्यान देते हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर नेल आर्ट वगैरह करवाते हैं, तो वो एक बात है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें तो बाहर नहीं जाना है, तो छोड़ो कौन देखता है, ऐसे ही रहने दो। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मैं ये सारी चीज़ें सोचने लगी थी, और डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल ऐसे ही करती थी कि मुझे तो बाहर कहीं नहीं जाना, मुझे कौन देख रहा है। तो मैं कभी भी नेल पेंट वगैरह भी चेंज नहीं करती थी, लगाना भी छोड़ दिया था कितने दिनों तक। फिर धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती थी, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करती थी, और फिर मैंने यही सीखा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरे देखे इसलिए नहीं किया जाता है, खुद की खुशी के लिए किया जाता है कि खुद को अच्छा फील हो। खुद को पैम्पर करना, खुद पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें पहले खुद को खुशी देने के लिए करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने जब से सीख लिया, जब से सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, तो ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। नेल पेंट वगैरह से मैंने अभी चेंज कर लिया, और अभी नवनिया के उठने में थोड़ा टाइम है, तो मैं उनके लिए इवनिंग स्नैक्स तैयार कर रही हूँ। एक आलू को मैंने उबलने के लिए डाल दिया है। यहाँ दो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर ब्लेंडर जार में डालकर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। आलू को उबालने के बाद मैश कर लिया है। 3 बड़े चम्मच मैं इसमें ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ, आधी छोटी चम्मच काली नमक, थोड़ी सी आमचूर पाउडर, थोड़ी सी ऑरिगैनो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी सादी नमक डाल रही हूँ। और बच्चों को थोड़ा खाने में इंटरेस्ट आए तो इसलिए इस बात का ध्यान तो देना पड़ता है। तो टिक्की में मैं स्माइली फेस बना रही हूँ, और मैं इन टिक्कियों को डीप फ्राई नहीं करूँगी, जस्ट तवे पे तेल डाल के इनको सेक लूँगी। और जितनी भी टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं सबको अभी नहीं मैं सेक रही हूँ, कुछ मैं रख रही हूँ ऐसी, कल न अपनी आज स्कूल से आएंगे तो उनको सेक कर दे दूँगी। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी मेरी टिक्कियाँ बनाई हैं, इसीलिए इतना कुछ इनके शेप पर ऐसे ध्यान नहीं दिया है। जल्दी जल्दी मैं जस्ट टिक्कियाँ तैयार कर ली, इनको दोनों तरफ से जस्ट सेक दूंगी। ये नवनिया के लिए जूस और ये आलू टिक्की तैयार है। और बच्चों का क्या होता है ना, थोड़ा अलग सिटिंग अरेंजमेंट करके उनको थोड़ा स्पेशल फील करा के थोड़ा अच्छे से ये सारी चीज़ें खाने को दोनों, तो उनको मन भी लगता है खाने में, तो इसीलिए मैं आजकल वही कोशिश कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर उनको बिठा के खाने के लिए दे देती हूँ, तो खाते हैं, इंजॉय करते हैं। This is a surprise for you. Wow! Mama has cooked very delicious stuff for you. Happy birthday! And it's orange juice and mango. Happy face. Yeah. Happy face and yeah. Happy face and orange juice. Yes. Daddy, give me water. नवनिया को आजकल इवनिंग में डेली में अलग अलग कुछ कुछ बना के देती हूँ, ताकि सब कुछ की इनको आदत लगे, और लंच बॉक्स में भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ तो इनको पसंद आता है। कि हैप्पी फेस आलू टिक्की। फिनिश। वेरी गुड, खाओ। अभी हमारा डिनर हो गया है, तो कल सुबह के लिए मैं डिटॉक्स वाटर तैयार कर रही हूँ। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर दूसरे से तीसरे दिन मैं डिटॉक्स वाटर का फ्लेवर चेंज करूँ। इससे पहले जो मैंने आपके साथ डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर की थी, तो उस टाइम मैंने कुकुम्बर, मिंट लीव्स, लेमन, नीम की पत्तियाँ, जिंजर, यही सब डाला था। और आज जो मैं तैयार कर रही हूँ, कुकुम्बर, लेमन, ऑरेंज और मिंट लीव्स डाल रही हूँ। एंड ऑब्वियसली पानी तो रहेगा ही, तो पानी में ये सब मिला के मैं रख देती हूँ, कल सुबह इसको पीऊँगी। देखिए रोड पे भी चल रही है तो जंप करते हुए चल रही है। सो गाइस, अभी बज रहे रात के 9:30 और फाइनली अभी आपसे मिल रही हूँ। हम लोग आ गए हैं वॉक करके, नवनिया भी खेल के आ गए,
अभी हम लोग हमारे बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं फिर ऊपर जाएंगे। तो चलिए फिर अब मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ। नबको देखिए कीज लेके क्या है, गेट वही खोलता है, देखिए। एकदम स्पर्ट हो गया है वो गेट वगैरह खोलने में। The next morning. Good morning guys, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। स्कूल जाने के लिए निया रेडी हो रही है। ये छोटा है इसीलिए दोनों एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए एक एक करके लाना पड़ता है दोनों को। What happened, Nia? Are you? Buddha mein naughty baby don't die. Bottle mein, yes. Nia apne bachpan ki tasveere ya fir videos dekh ke ye bol rahi hai ki nav Nia baby bachpan mein bottle mein doodh peete the. Aap dete? Kaun? तुम अब बिग बेबी हो गई हो। मैं? हाँ तुम भी बिग बेबी हो गए हो, पहले तुम छोटे छोटे बेबी थे, स्मॉल बेबीज। सो गाइस नवनिया स्कूल चले गए, हम लोग आ गए नीचे, ये देखिए। तो स्विमिंग पूल एरिया के पास है अभी खड़े, और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम में। सो हो गई एक्सरसाइज, और ये अनिमेश वहाँ पे कुछ लेडीज थी तो ये गए ही नहीं अंदर ये बाहर में थे, मैं अंदर में गई, मैं कर रही थी, फिर ये बाद में आए। शुरुआत में सिर्फ लेडीज ही थी लेडीज ही थी तो क्या, मैं बाहर वॉक कर रहा था सर। तो जब सब चली गई तब ये गए अंदर, तो कर लिया मैंने एक्सरसाइज। आज तो बस ट्रेडमिल किया है, अभी धीरे धीरे शुरू करूँगी सब कुछ। तो चलिए फिर ऊपर जाते हैं, मिलते हैं आपसे। अभिनंदन आभार करते रहें हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो जिम का पहला दिन आज श्वेता का था, बस थोड़ा स्टार्टअप किया इन्होंने कह सकते हैं, ट्रेडमिल एंड ऑल, बट उम्मीद है देखना है कितने दिन कंटिन्यू करेंगे। हालाँकि मैं somehow dietitian coach बन गया हूँ, not you know ये जिम वाला कोच। तो dietitian यानी कि डाइट के हिसाब से अगर कंट्रोल करना है वेट, दैट आई नो, ये आप सभी भी जानते हैं। कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। एक ब्लेंडर जार में ले रही हूँ मैं हाफ कप चावल का आटा, सेम कप से डेढ़ कप पानी मिलाऊंगी, 30 से 40 सेकंड तक इसको ब्लेंड कर लूंगी। अभी एक चॉपर में मैंने एक प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती और एक छोटा टुकड़ा अदरक डाला है। आप चाहे तो कैरेट को भी इसके साथ डाल सकते हैं, मेरे पास अभी कैरेट नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अब एक बोल में मैं ये राइस का लिक्विड डालूंगी, इसमें मिलाऊंगी थोड़े से करी लीव्स, ये प्याज हरी धनिया की पत्ती अदरक जो चॉप किया है इसको मिलाऊंगी। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी आमचूर पाउडर, भुनी हुई जीरा का पाउडर, थोड़ी सी सादी नमक, थोड़ी सी साबुत जीरा, इन सबको अच्छे से मिला लूंगी।
एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुकिंग ऑयल, इसको एक ब्रश की हेल्प से चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी और इस तैयार किए गए बैटर को थोड़ा ऊपर से इस पैन में गिराऊंगी और चारों तरफ फैला दूंगी। कर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। एक बार कवर हटा के चेक कर लेना, अगर ऊपर के साइड से ये पक गई है तभी इसको फ्लिप करना है और फ्लिप करने के बाद फिर से इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेना है। ये हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट तैयार है चावल के आटे से। आप इसको हरी चटनी, दही या फिर कोकोनट चटनी या फिर टमाटर चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैं जो हरी चटनी बना के रखती हूँ वो खत्म हो गई है और अभी मैंने कोई भी चटनी बनाया नहीं है, तो हम लोग इसको दही के साथ ही खाएंगे। दही के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल सा और झटपट से बन जाने वाला ब्रेकफास्ट है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। जिम से आने के बाद मैं नहाने चली गई थी, फिर मैंने पूजा किया, फिर ब्रेकफास्ट बनाया और अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। और अनिमेश घर पर ही हैं बट वो कॉल पर हैं तो वो अभी आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और आज से मैंने जिम जाना शुरू किया है। एक्चुअली पता है क्या, बहुत टाइम से सोच रही थी जिम जाना है बट नहीं हो पाता था। सोचती थी कल जाऊँगी लेकिन वो कल कभी नहीं आ रहा था। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है। जैसा कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था एक वीडियो में, कुछ चेंजेस किया मैंने अपने अंदर तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। उसमें एक ये भी है कि जो सोच रही हूँ वो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये सोचा है तो इसको करना ही है। पहले मेरे साथ क्या होता था, कुछ भी सोचती थी मैं, सोचती अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कल नहीं आ रहा था। तो इसीलिए फाइनली आज से शुरू किया है। अभी क्या है ना कि रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हमारा। अभी नवनिया बड़े हो रहे हैं तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपने अबनिया के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे। ऑफकोर्स पहले भी देते थे लेकिन अभी दूसरी तरह से ज़्यादा टाइम देंगे। अभी वो बड़े हो रहे हैं तो अभी उनको पढ़ाई के साथ साथ अदर डेवलपमेंट्स हैं, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी शाम में या फिर डिनर के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमें उनको लेके पार्क में जाना ही है। वहाँ वो खेलते हैं 1 घंटे, फिर हम लोग वॉक करते हैं, फिर वॉक करके यहाँ आते हैं। तो वो अब हमारे रूटीन में आ गया है, वो हमें डेली करना है क्योंकि उनको भी तो बाकी सारी चीज़ें सीखनी है। पढ़ाई तो ज़रूरी होती है बट अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। खेलने के लिए बच्चे चाहिए, बड़ा सा ग्राउंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं पार्क में। तो वो हम उनको शाम में लेके जाते हैं, वहाँ उनको फ्रेंड्स मिलते हैं, हमारे भी जान पहचान के लोग वहाँ पे आते हैं, उनके भी बच्चे रहते हैं, तो नवनिया वहाँ पे खेल के बहुत खुश होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है उनके डेवलपमेंट के लिए। हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को इंडिया भेज दिया क्योंकि उनके बच्चों का यहाँ पे वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। बच्चे बिल्कुल अकेले अकेले रहने लगे थे, या तो मोबाइल या फिर अकेले रूम में, मतलब कम बात करना, लोगों से इतना मिंगल नहीं होना। ऑफकोर्स इंडिया में बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। हमारे बहुत सारे जान पहचान वालों ने ऐसा किया, अपनी फैमिली को वहाँ इंडिया भेज दिया और वो स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। बट हर लोग तो वैसा नहीं कर सकते। जैसे हमारे केस में ही क्या है कि हम वैसा नहीं कर सकते। अनिमेश यहाँ पे इतने दिन अकेले रहे थे लॉकडाउन के टाइम में, हम लोग इंडिया में थे उस टाइम में, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, फैमिली नहीं थी पास में। तो हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी पापा यहाँ आ नहीं सकते, पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी वहाँ पे पापा की सेवा करती है। मेरी मदर इन लॉ जब भी यहाँ पे आती है 2 महीने 3 महीने के लिए, फिर वो वहाँ चली जाती है, फिर उनका यहाँ पे मन नहीं लगता है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ना मतलब उनके फ्रेंड्स नहीं है और वैसा ग्रुप वगैरह नहीं है, वहाँ पे पूरा खुला खुला है, फिर उनके फ्रेंड्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ है प्रॉब्लम। वैसे भी नवनिया 2 बच्चे हैं तो दोनों आपस में भी खेल लेते हैं बट वो भी नहीं है, दोनों को सिर्फ आपस में ही नहीं खेलना है और दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होना है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना है। तो स्कूल में भी टीचर वही करती है, नव को अलग बच्चों के साथ बिठाती है, निया को अलग बच्चों के साथ बिठाती है, दोनों अलग अलग रहते हैं वहाँ पे भी। पार्क में भी दोनों अलग अलग खेलते हैं। हमारा सारा फोकस नवनिया पे है क्योंकि उनका ये लर्निंग फेज है, तो सारा ध्यान हम उन पे ही दे रहे हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बाद में भी हो जाएगी, सब कुछ बाद में हो सकता है बट अगर ये टाइम निकल गया तो ये टाइम दोबारा कभी नहीं आ सकता। इसीलिए सब कुछ को देखते हुए जैसे जो हो रहा है तो हमने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया है और उसी रूटीन में मैं भी काम कर रही हूँ, उसी रूटीन में अनिमेश भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं अभी लेट नाइट तक जाग रही हूँ, पहले मैं लेट नाइट तक जाग जाती थी, अभी मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। अपने आप बेड पे गए तो कितनी भी मुझे नींद आए ना आए मैं सोने की कोशिश करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सुबह 5:30 में नींद खुल जाती है, उसके बाद से फिर नहीं सोती हूँ। फिर आज से तो जिम जाना भी स्टार्ट किया था। रिकॉर्ड तो मैं कभी भी कर लेती हूँ, जब नवनिया रहते हैं यहाँ पे तब भी कर लेती हूँ बट मैं एडिट तभी करती हूँ जब नवनिया आफ्टरनून नैप लेते हैं या फिर अभी अगर मुझे टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के बाद तो फिर मैं थोड़ा एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो ऐसे मैंने अपना रूटीन
किया हुआ है। और अनिमेश का तो ऑफिस रहता, तो वो तो घर पे रहते भी हैं लेकिन फिर भी वो कॉल पे रहते, तो एक रूम में रूम बंद करके अपना ऑफिस का काम करते रहते, उनका कॉल चालू रहता है। अपने आप को पहुंचाने और लाने वही जाते हैं और फिर उसके बाद शाम में वो फ्री हो जाते हैं। ऐसा है ना कि कोई ऐसा टाइम का फिक्स नहीं है कि इतने देर तक का ही काम होता है, शाम में भी उनको कॉल आ सकती है, रात में भी आती है, तो वो उस तरह से अपना काम करते हैं। मैं भी बच्चों का रूटीन, हमारा रूटीन, ये सब कुछ मैनेज करते हुए जितना जैसे हो पा रहा है वैसे कोशिश करती हूँ। बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी यही है कि नवनिया के हिसाब से हमें अपना रूटीन सेट करना है, सिर्फ स्कूल जाना, सोना, उठना, ये वाली रूटीन नहीं, बाकी भी चीजें, क्योंकि उन्हें हमें बाहर लेके जाना है, उनको बहुत कुछ सिखाना है। फिर जब वो शाम में उठते हैं, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों को थोड़ी देर पढ़ाते हैं, फिर हम लोग डिनर करते हैं, फिर हम पार्क में लेके जाते हैं। वैसे हमेशा हम लोग डिनर के बाद ही पार्क जाते हैं, एक दिन बस हम लोग पहले गए थे, बट डिनर के बाद ही हम लोग प्रेफर करते हैं जाना। तो उस तरह से हमारा रूटीन पूरा फिक्स है। देखते हैं आगे क्या कैसी चीज़ें रहती है, बाकी जो सोचा है देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। चले गाइस, बातें बहुत हो गई, ब्रेकफास्ट भी मेरा ठंडा हो गया। अनिमेश को मैंने 2 बार बोल दिया, वो बोले कि मैं 15 मिनट बाद आऊँगा, उनका 15 मिनट अभी तक हुआ नहीं है, फिर से जाकर उनको बुलाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए, तभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अब आपसे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए फिर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।